नमस्कार दोस्तों, आज है 11th मार्च और आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि मैं आपको अपने गार्डन का छोटा सा एक अपडेट दूंगी, क्योंकि आजकल इन दिनों गार्डन में काफ़ी सारा मैंने काम किया है और उसका रिज़ल्ट जब इस तरीके से मिलता है ना, तो आप ये समझिए कि लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि मेहनत जो है वो पूरी सफल हो गई। बहुत बहुत खुशी होती है और वाकई में मुझे इसको देख के ना इतना अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो ही गुड़हल है, बहुत सारी बर्ड्स हैं और पूरे के पूरे ऑर्गेनिक तरीके से हैं। ये देखिए, मतलब कुछ भी, कभी मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र खरीद कर या मतलब पेस्टिसाइड कोई भी केमिकल इस्तेमाल किया ही नहीं। और ये देखिए, तो बहुत ही कम सामान में और बहुत ही बस ये है कि मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है इस तरीके से, लेकिन रिज़ल्ट जब ऐसे मिलते हैं ना तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख रहे हैं ना कितना सुंदर लग रहे हैं, येलो टिकोमा का प्लांट, और लगाया भी किसमें है ये देखिए आप। ये एक आटे का पॉलीबैग है और ये 10 किलो वाला नहीं है, ये 5 किलो वाला है, तो उसमें लगा हुआ है। और जैसे वेजिटेबल्स के आपको मैं आज थोड़े से जो मैंने सीड से ग्रो किए हैं ना, तो उनका अपडेट दूंगी कि कौन कौन से वेजिटेबल्स मैंने लगाए, और कुछ कुछ कटिंग का भी दूंगी, कई बार से रह जाता है, वो सारे अपडेट देना है। तो देखिए, पहला जो आपको मैं ये दिखा रही हूँ, मैंने किसी पे भी वीडियो नहीं बनाया है, अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया है कि इनको कैसे सीड से ग्रो करना है या कैसे तैयार करना है, कुछ नहीं। अगर आप इन देखते रहिए, आप बताइएगा मुझे तो मैं उस पर बना दूँगी। ये लोबिया बीन्स है, लोबिया बहुत मतलब बिल्कुल आराम से उगने वाली है, बीन्स है आराम से। इसके जो वो होते हैं ना, आप बस हाइब्रिड वाले सीड्स खरीदिएगा, आप वैसे सीड ना खरीदिएगा, देसी वाले, ठीक है, हाइब्रिड खरीदिएगा। और ये देखिए, डायरेक्ट मैंने मतलब इस ग्रो बैग में मैंने डायरेक्ट ही बहुत सारे सीड्स ऐसे डाल दिए थे, तो कैसे पूरा मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये सब लोबिया के ये सब सीडलिंग्स हैं। दूसरा है ये देखिए, एक तो मतलब खीरा है, ये वाला जो है ना ये खीरे के हैं, और ये वाला है ककड़ी का है। तो ये दो, ये भी मैंने सब ये सब सीड से ही तैयार किया है। और अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलर देखते होंगे तो आपने ये देखा होगा, इस वाले थर्मोकोल बॉक्स को में मैंने पूरी मिट्टी नहीं भरी है, नीचे मैंने क्या भरा है पूरा, अच्छा लिंक मैं दे दूंगी, आप देखना हो देख लीजिएगा। ये मेरा ना ऑरेंज टिकोमा का प्लांट है, इसमें मैंने खाद का वीडियो बनाया था, ये देखिए इसमें बड़ आ गई है, देखिए छोटी छोटी सी ना, अब ये पूरा भरने वाला है। चौथी जो मेरी ये सीडलिंग्स हैं, गर्मियों की जो वेजिटेबल है, ये है लौकी। ये देखिए, ये लौकी बॉटल गार्ड, बहुत घिया भी बोलते हैं, तो ये उसके इसका जो है, और भी मैंने इसके वो से मतलब सैपलिंग्स जो हैं वो तैयार किए हैं, तो लेकिन ना अभी ये ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी नहीं है। ये देखिए, ये लौकी के ये और है, यहाँ पे एक्चुअली पापड़ वो बनाया हुआ था, तो इसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक ये उड़े नहीं ना, तो यहाँ रख दिया। ये देखिए, ये लोबिया के जो सी वो है ना, ये इतने अच्छे हो गए, इसको मैंने डायरेक्टली इसमें डाल दिया था, इसमें नीचे बहुत बढ़िया से खाद तैयार हो रही है, तो ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो वेजिटेबल मैंने सीड से ग्रो करी है वो ये है भिंडी, ओकरा है ना, लेडी फिंगर, तो ये भी सीड से ग्रो किया, लेकिन अभी ये थोड़ा मजबूत होगी। अभी मतलब आज मैंने जाके इसको सीधे जैसे धूप में रखा है, क्योंकि ये दिख रहा है ना लैगी सा हो रहा था, एक्चुअली मैंने इसको ग्राउंड फ्लोर पे रखा था, फिर अभी आज मैं यहाँ पर लाई हूँ। पुदीने भी कुछ, ये तो अभी कटिंग से लगाए हैं, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी जो पत्तियाँ दिख रही हैं ना, ये सब नई नई ग्रोथ हो रही, क्योंकि मैंने काफ़ी इसमें से तोड़ दिया है जिससे कि ये घना हो जाए, रूट मतलब रूट बन गई है। और एक चीज़ ये देखिए, ये भी दिखा दूँ, ये प्याज का फूल है, बहुत सुंदर लगता है, इसके अंदर ब्लैक कलर के ओनियन सीड्स आते हैं, तो ये बस ऐसे ही स्प्रिंग ओनियन वो जो हरा प्याज आता है ना, उसको मैंने इसमें लगा दिया था। बाकी ओलियंडर में बहुत ही अच्छे से बहुत भर भर के जो है देख रहे हैं ना, पूरा प्लांट मेरा कलियों से भर गया है, पूरा का पूरा प्लांट, ऐसा
कोई भी इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना मैंने इसकी प्रूनिंग करी, ना मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी, ना मैंने इसमें कोई खाद दिया। इसको ज़्यादा केयर एक्चुअली चाहिए नहीं होती, वही बस अभी मस्टर्ड केक बनाया था जो फर्टिलाइज़र वो दिया था, ये देखिए। और मेरे इसमें भी मैंने आपको दिखाया ही था, गंधराज में भी देखिए कितने अच्छे से बड़ आ रही है और काफ़ी सारी आ रही हैं, ये देखिए इधर। तो चलिए अब थोड़ा सा छोटा सा ना एक अपडेट दे दूँ इंडोर प्लांट्स का भी। कुछ आज आपको मैं अपडेट देने वाली हूँ जिस पे कि वीडियो मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो वीडियो अभी तक नहीं बनाया है। और वो देखिए, ये देख रहे हैं ना कोलियस, ये देखिए ये कोलियस की रूट्स देखिए, और बहुत कम टाइम में ये मतलब जो कोलियस की कटिंग्स हैं ये तैयार हो जाती हैं। तो एक ये है, मैं इसको भी यहीं पे लगा देती हूँ। और ये सारी ही कटिंग्स जो हैं वो लग चुकी हैं। इसके अलावा आपको मैं अरेबियन वैक्स आईवी प्लांट है इसकी कटिंग दिखाती हूँ। कटिंग क्या है, बल्कि ये देखिए एक सिंगल सिंगल ना लीव से, एक सिंगल सिंगल पत्ती से, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना इसकी रूट्स। तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट तैयार हो जाता है और बहुत ही प्यारा प्लांट है एकदम, मतलब जो समझिए कि लो मेंटेनेंस और जो बिल्कुल, ये प्लांट एक ऐसा है बिगनर्स के लिए बहुत बहुत ही अच्छा है। इसको मैं फिर से ऐसे मैंने दबा दिया है, बाकी सारी ही जितनी भी वाइन वाइन सब लगाई थी मैंने, वो ज़्यादा दिन नहीं लगता है इसको होने में। इसको देखो मैं ये वाली, हाँ ये भी हो गई है, देखो छोटी छोटी सी कट, ये देखिए ये सब, तो बिल्कुल 1 मंथ भी नहीं लगता है इसको होने में, इसकी रूट तैयार होने में। और इसको नहीं निकाली हूँ, ये देखिए ये दूसरा वाला पत्ता है, मतलब ये एक एक पत्ते से तैयार हो जाता है इसका प्लांट, इतना आसान है। कहिएगा ना तो मैं आपको, मैं अभी सिर्फ दिखा रही हूँ आज, छोटा छोटा सी बिल्कुल ना आज अपडेट दे रही हूँ। और ना सकुलेंट्स को मैंने अभी नीचे लाके ग्राउंड फ्लोर पे सबको रख दिया है, और इनके सबके ना बहुत सारे मैंने प्लांट इनके छोटे छोटे से मतलब मदर प्लांट ये है, और इसका एक ये देखिए, एक ये है, ये है, काफ़ी सारे इस तरीके से मैंने तैयार किए हुए हैं, ये देखिए। और ये जो क्रेस्ला वाटा है ना, इसको भी पत्ती से तैयार कर सकते हैं, ये देखिए ये बहुत ही अच्छा, मतलब कितना हेल्दी प्लांट है। अभी तक कुछ दिन तक तो धूप में था ना, तो इसकी पत्तियाँ कुछ ऐसी पिंकिश सी हो रही हैं, और इस पर अभी डस्ट देखिए जमा हो रही है। चलिए अब मैं आपको अपना ये वाला प्लांटर दिखा रही हूँ जिसमें मैंने 5 या 6 प्लांट्स जो हैं इसमें लगाए थे। तो ये बड़ा वाला गमला था, इसको खाली किया था और इसको लगाया था। तो देखिए इसमें स्पाइडर प्लांट है, ये है वो ड्रेसिना है, फाइकस है, और इधर ये है वॉन्ड्रिंग ज्यू है, मनी प्लांट किधर गया, हाँ मनी प्लांट ये है, ये देखिए ये मनी प्लांट है, और आपका ये हो गया टर्टल वाइन। थोड़ा सा अभी बस 4-5 दिन ही हुआ है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, तो ये भी एकदम सेट हो रहा है। बाकी और सारे जो प्लांट्स हैं वो आपको मैं इस टाइम पे नहीं उतना दिखा रही हूँ, सिर्फ वो वाले दिखा रही हूँ ना जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट में नए नए थे। ये वाला देखिए वेरिएटेड अरेलिया, ये एक ही डंडी है ये, और ये देखिए यहाँ पे इसको मतलब ऐसी जगह धूप, पहले ऊपर छत पे ऐसे ही पड़ा हुआ था ये, तो वहाँ से हटा दिया था और ये रख दिया। और ये देखिए पोल्का डॉट, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो तब धूप में था, अब मैंने यहाँ पे इसको ला के रख दिया और ऊपर से बिल्कुल प्रून कर दिया, तो ये भी कटिंग मुझे लग रहा है, हाँ ये देखो लग गई। ये तो बहुत ही क्रीपिंग चार्ली की तो बहुत ही आसानी से लग जाती है, क्योंकि ये सारे प्लांट एक साथ ही मैंने लगाए थे तब। तो फाइकस में ना ये देखिए नई पत्ती जो निकली है, कितनी शाइन कर रही हो, कितनी साफ़ सुथरी से, कितनी अच्छी लग रही है। एक मैंने अभी जो मैंने एक शॉपिंग वाला वीडियो बनाया था, कुछ प्लांट्स खरीदे थे ना, और ये हैंगिंग पॉट्स खरीदे थे, तो ये ना क्या किया मैंने, टर्टल वाइन तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको तो कहीं भी आप इतना इतना सर रख दो ये निकल आएगी, वो बड़ी बात नहीं है। मैंने ना बस ऐसे खाली पड़ा था, ये फालतू था, तो मैंने सोचा चलो जब तक बाद में मैं इसमें कुछ लगाऊंगी, अभी काम बताए मैंने क्या किया है, आपको आप भी सोचोगे ना इन्होंने क्या कर रखा है। यहाँ तक ये, यहाँ तक ये, इतना हिस्सा
पूरा इतना हिस्सा, क्योंकि इसको मिट्टी की ना बस इतनी सी, इंच प्लांट भी बोलते हैं इसको, तो इतनी सी ज़रूरत पड़ती है, बस इतनी सी ही हो और एक एक इंच भी होगी मिट्टी तो ये उसमें निकल आता है। तो क्या करा है, यहाँ तक पुराना कपड़ा, घर में फालतू जो कपड़े पड़े होते हैं ना कॉटन वॉटन वाले, वो इतना मैंने भर रखा है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए दिख रहा होगा शायद, ये देखिए, ये यहाँ दिख रहा है ना, ये कपड़े ये सब यहाँ पे ना मैंने कपड़ा रख रखा, और थोड़ा सा हो जाए मतलब इस यहाँ पे, कहने का मतलब है कि पूरा यहाँ तक कपड़ा भर के और उसके ऊपर मैंने मिट्टी और थोड़ा सा कोकोपीट और वो करके मिक्सचर करके उसको लगा दिया। अभी ये कुछ ही दिन मतलब हुआ ही है, 2-3 दिन ही हुआ है बस, तो अभी ना बस इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, ये पूरा यूँ लटक जाएगा। बाकी जब देखूंगी इसको मैं हटाना चाहूँगी हटा दूँगी। और इधर मैंने ये वाला जो इम्पेशेंट प्लांट है, ये देखिए जब ख़रीदा था ना तो ये एकदम थोड़ा सा वैसा हो रहा था, बेकार हो रहा था, देखिए इसको भी मैंने इस वाले पॉट में लगा दिया है, ये वाला हैंगिंग में, और इस जगह पे धूप नहीं आती है तो इसको धूप की ज़रूरत होती भी नहीं है। तमाम फूल काफ़ी सारे इसके फ्लावर्स खिलते रहते हैं। तो ये सब बस जो अभी अभी 2-3 दिन पहले जो जो चीज़ें की हैं बस वही वही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ना अभी खाद तो मुझे देना है इंडोर प्लांट्स पे, दिया नहीं है मैंने। इसके बाद जो मेरे गर्मियों की जो सब्जी है या किचन गार्डन की मैं आपको बोलूँ तो वो, आप ये वैसे तो ये लेट्यूस आप देख रहे हैं, सलाद के पत्ते हैं, ये तो सर्दियों के में ज़्यादा अच्छे से होते हैं। और अब मैं बस आपको सिर्फ इतना दिखा रही थी, ये देखिए इसमें फ्लावर्स आना शुरू हो गया है और इसी में ही अब सीड बनने लगेंगे। तो इनके सीड्स हम कलेक्ट अगर कर लेंगे तो हम इनको, इनसे जो है बाद में बहुत सारे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी सारे मैंने ऐसे छोटे छोटे उसमें लगाए हुए थे, ये देखिए सब सलाद के पत्ते हैं और इनके बीज बनने लगे। तो अब आपको मैं अपने किचन गार्डन वाली ये दिखाती हूँ वेजिटेबल, ये तो आप समझो कि जो कुछ नहीं है मुश्किल, एकदम मतलब फ्री में आप घर में उगा सकते हो। करेले का है ये, करेले की बेल है, और आप यहाँ देख रहे हो दो है ना, मुझे इसको निकाल के और ट्रांसप्लांट भी करना है, क्योंकि मेरा ये येलो वाला गुड़हल है। तो मैं जैसे जो खाद वाद बनाती हूँ ना, तो कई बार क्या होता है उसमें बीज रह जाते हैं, तो वही बीज पड़ा हुआ था और उसी बीज से ये आ गया, और भी कई जगह पर हो गया है। हल्दी मुझे लगानी है, हल्दी काफ़ी सारी मैंने हार्वेस्ट करी थी और अभी मैं लगाऊंगी। क्या मैं इसलिए भी वेट कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे लगाना गमले में ही है, तो जैसे अब ये देख रहे हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है, मैं बस वेट कर रही थी कि ये मेरे पॉपी के जितने फ्लावर्स हैं ना, ये सारे मतलब ये सब तो खिल ही रहे हैं, मैं ज़्यादा अब इस पर कुछ कर भी नहीं रही हूँ, इनके सब ये हट जाएगा, फिर मैं ये गमला काफ़ी बड़ा है इसी में मैं लगाऊँगी। बाकी जो है मेरे बोगनविलिया बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, ये देखिए। और मैंने अभी एक वीडियो बनाया भी था इसको खाद देने का, मतलब बोगनविलिया में, तो अगर आपने देखा नहीं हो तो देख लीजिएगा। ये देखिए इसमें पत्तियां नहीं हैं, इसमें सिर्फ फूल ही फूल है। बाकी जो है नींबू में मैंने एक बार फूल वो हटा दिया था, ये पुराना है ही नहीं, इस पर बार बार मैं यही बोलती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले लगाया है, 1 महीना शायद हुआ होगा इसको लगाए हुए, तो देख रहे हैं फिर से फ्लावर आ गया, मैंने सारे इसके फूल हटा दिए थे। और फूल जब भी कोई ऐसा सब्जी वेजिटेबल मतलब कुछ भी फ्रूटिंग कुछ लगाए करिए ना, तो आसपास में फ्लावर्स ज़रूर से लगाए करिए, इससे ना पॉलिनेशन का कोई झंझट ही नहीं रहता। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये भी बिल्कुल फ्री वाला पौधा तैयार हुआ है, देखिए फ्री वाला ऐसे था कि वो जो जैसे पूजा के जो फ्लावर्स होते हैं मिलते हैं, या कई बार हमारे पास मैरीगोल्ड के रहते हैं, तो वही बस मैंने डाल दिया था। और इतने सारे फ्लावर्स मतलब इसमें एक ना कई प्लांट हैं, ये देखिए, तो रिपोर्ट करा ही नहीं मैंने, और ये इतने छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, और सब में फूल आ गया, ये बिल्कुल नया नया प्लांट है, अभी इसको रिपोर्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। और ये देख रहे हैं, ये देखिए कितने सारे फूल आ गए इसमें, ये गर्मियों में बहुत अच्छे खिलेंगे, ये बहुत अच्छे हैं। और इसीलिए जब भी हम वेजिटेबल्स लगाते हैं तो फ्लावर्स होते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है। और एक मोगरा पे मैंने वीडियो बनाया था, इसमें खाद दिया था, आपने देखा होगा वीडियो, तो ये देखिए इसमें नई ये वाली स्टेम यहाँ से ये निकल रही है, और जो ये इसकी हार्ड प्रूनिंग करी थी, और हार्ड प्रूनिंग के बाद ये सब नई ग्रोथ है, ये सारी के सारी बहुत अच्छे से सब सब इस पर ग्रोथ हो रही है। अभी बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनमें मैंने खाद नहीं दिया है, परमानेंट प्लांट है, और ये उनमें से एक चंपा है, जो कि बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि मैं कटिंग से मैंने लगाया था, और आप देख रही हूँ ना,
ये देखिए यहाँ पे पत्ते तो आ रहे हैं, यहाँ पे बट भी आ रही है, आना शुरू हो गई, और खाद देने का मौका ही नहीं पड़ रहा है कि किस, ये बैग में तो लगा रखा है ये देखिए। अब इसको रिपोर्ट भी करना था, बहुत सारे प्लांट बैग में लगे हुए, बहुत सारे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं अब आप लोगों से मिलने वाली हूँ मंडे को, ठीक है? तो बाय, थैंक यू, और आप मेरे वीडियोस भी देखते रहिएगा।